एससी एसटी और ओबीसी के 250 के आसपास सांसद हैं। ये जिस दिन चाहें, जिस पल चाहें, मोदी घुटनों पर आ जाएगा, उठने की भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर सरकार का बनाए रखने की कोई भी ताकत अगर है तो ये एमएलए और एमपी हैं, इनका इलाज पहले करने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। वो केवल अपने स्वार्थों के लिए संसद में बैठे और समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज के लिए कुछ नहीं करते। हमारे समाज के असली गद्दार यही लोग पास हुए हैं संसद में। ये लोग उन कानूनों को पास कराने में सरकार के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो हमारे ही समाज का कोर है। इस कोर को खत्म करना है, इन गद्दारों को इनकी असली हैसियत दिखा के दफन करना है पहले। अगर आज का जो विषय है न्याय अधिकार महासम्मेलन, जिसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है तो संविधान की बात, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है अगर आप उसमें देखते हैं तो शुरू में सबसे पहले यही कहा गया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और बहुजन समाज के लोगों को इस देश में यही उपलब्ध नहीं है। और आज जो वर्तमान सरकार है ये आपके केवल इसी अधिकार को नहीं, आपका कोई भी अधिकार उसे देना नहीं चाहती, आपके हर अधिकार को छीन लेना चाहती है। और आपके इस अधिकार को छीनने में अगर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो हमारे ही समाज के वो राजनीतिज्ञ हैं जो सांसद बनकर, विधायक बनकर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में बैठे हैं। 131 एमपी हैं लोकसभा में एससी और एसटी के, और ओबीसी सारे मिला के तकरीबन 250 के आसपास, एससी एसटी और ओबीसी के 250 के आसपास सांसद हैं। ये जिस दिन चाहें, जिस पल चाहें, मोदी घुटनों पर आ जाएगा, उठने की भी हिम्मत नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर सरकार का बनाए रखने की कोई भी ताकत अगर है तो ये लोग हैं। मैं समझता हूं सरकार से कुछ भी कहने से पहले हमें अपने ये जो तथाकथित एमएलए और एमपी हैं, इनका इलाज पहले करने का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। कोई रहम नहीं किसी पर भी। अगर वो केवल अपने स्वार्थों के लिए संसद में बैठे और समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज के लिए कुछ नहीं करते तो सबसे पहले इनका इलाज करना पड़ेगा। हमारे समाज के असली गद्दार यही लोग हैं। केवल एक नाम लेने की बात नहीं है कि किसी का नाम लो आप, सारे के सारे उसी कैटेगरी में है सब। इनका काम पहले ठीक करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं जितने कानून भी पास हुए हैं संसद में, ये लोग उन कानूनों को पास कराने में सरकार के साथ खड़े थे। आर्थिक आधार पर संविधान के विरुद्ध जो 10% आरक्षण हुआ था उसमें भी इन सब लोगों ने वोट दी थी। तो हमारे लिए दूसरा जो है समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जो हमारे ही समाज का कोर है, इस कोर को खत्म करना है, इन गद्दारों को इनकी असली हैसियत दिखा के दफन करना है पहले। अगर आप ये नहीं कर सकते और कहेंगे कि कोई मेरा चाचा है, मेरा ताऊ है, मेरा भाई है, मेरी बिरादरी का है, मेरे इसके होने से मुझे ये मिल जाता है, इसके होने से ये लाभ मिलता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। आपको ध्यान है जिस समय पुणे पैक्ट के बाद में 1935 के जो कानून बना उसके बाद जो चुनाव हुए, और उस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अपने ही समाज के लोग बड़ी संख्या में जीत कर आए थे, और उसके बाद जो उन्होंने काम किया कि जिस पार्टी के थे उसके बंधुआ मजदूर बनके ही वो रह गए, तभी बाबा साहब ने कहा था
कि बेशक ये मेरे समाज के लोग हैं लेकिन समाज के नहीं है, ये किसी काम के नहीं है। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत यह है। दूसरी बात साथियों, आपके जितने भी मुद्दे हैं, ये प्रोग्राम जो भी साथी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्होंने जितने भी मुद्दे रखे हैं, हकीकत में वो मुद्दे हम सबके जुड़े हुए मुद्दे हैं। मैं उन सब मुद्दों से सहमत हूं, मेरी असहमति इस बात से है, ये मांगना आप कब छोड़ोगे भाई? ये आपके सरकार जातिगत जनगणना कराए, क्यों कराएगी सरकार जातिगत जनगणना? क्या है आपकी हैसियत उसकी नजर में? जो सरकार आपके सारे अधिकार छीन के बैठी है, जो सरकार आपको पूरी तरह से दफन कर देना चाहती है, ओबीसी की आबादी इस देश में 52% मंडल आयोग के हिसाब से, उसको आरक्षण दिया 27% और उसमें भी आज की तारीख में जो आरक्षण है वो आरक्षण 9% है जो भरा हुआ एक्चुअल में है, और आप कह रहे हो वो सरकार आपकी जातिगत जनगणना कराएगी? काहे को कराएगी भाई? कौन कराता है जनगणना? सरकार कराती है ना। इस सरकार को उखाड़ के फेंको, अपनी सरकार बनाने के लिए काम क्यों नहीं करते हो यार मेरे? जो काम करना चाहिए वो तो करते नहीं, और जिस काम की जरूरत नहीं उस पर बेवजह हल्ला मचाते हो। क्या मिलेगा आपको? कोई आपको देने वाला नहीं है। आप समझ रहे हैं, जब हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और उसके लिए वो लगातार काम कर रहे हैं, विपक्ष को पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है, हर आदमी के अधिकार छीने जा रहे हैं, आपका रिजर्वेशन बिना किसी कानून का उन्होंने खत्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, तब आप क्या करोगे भाई? न सरकार आपकी, न अदालत आपकी, न कहीं आपका प्रतिनिधित्व, और फिर भी आप कह रहे हो कि आपके लिए काम कर दे। कोई नहीं करेगा, इस बात को समझो। जब तक आप उन चीजों को नहीं समझोगे जहां से खड़े होकर आपको काम करना है, या यूं कहो कि अगर अपनी जमीन का आपको पता नहीं है तो फिर कैसे आप समाज की लड़ाई लड़ोगे? कैसे आप समाज को उसका हक दिलाओगे? नहीं दिला पाओगे। इसलिए इस चीज को समझो। और मैं बार बार हर मंच से ही कहता हूं, चाहे कोई पसंद करे या ना करे, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, इस बात की मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं अगर 2024 को लेके, और इसमें केवल एक साल रह गया है, 2024 के चुनाव को लेके हम सबने, बहुजन समाज ने, मैं केवल नेताओं की बात नहीं कर रहा जो राजनीतिक दल में है, मैं उन संगठनों की बात नहीं कर रहा जो सामाजिक संगठन है, मैं उस पूरी जनता की, पूरे बहुजन समाज की बात कर रहा हूं, अगर आपने 2024 को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति नहीं बनाई, उस पर काम नहीं किया, तो उसके बाद तुम्हें पुष्ट करने के लिए बचेगा भी नहीं। ध्यान रख लेना इस बात को। इसलिए हमारी सारी कवायद इस बात पर होनी चाहिए, यह आपातकाल से भी भयानक आपातकाल की स्थिति है साथियों। मैं किसी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन जो सच है वो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से आभारी हूं और धन्यवाद देता हूं उन सभी संगठनों का जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया है, और इस प्रोग्राम का जो मैसेज भेजा जा रहा है वो मैसेज ये है कि जो जिंदा लोगों का महासम्मेलन, जिंदा लोगों का, तो नजर घुमा के चारों तरफ देख लो कितने जिंदा हैं और बाकी कितने मुर्दा हैं, इसका अंदाजा भी लगा लो आप, देख लो। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये जितने जिंदा हैं, जितने भी जिंदा हैं, अगर ये वाकई में जिंदा हैं और ये ईमानदारी से काम करें और सिर्फ इतना सा भी ठान लें कि अगले आने वाले 2 महीने में मैं अपने जैसे 9 और साथी अपने साथ में जोड़ूंगा, सिर्फ 9, और अपने को मिला के 10 लोगों की टीम बनाऊंगा। मैं सबसे कह रहा हूं जो पंडाल में बैठे हैं उनसे भी, और जो करोड़ों की संख्या में इस सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी कह रहा हूं, सिर्फ इतना निर्णय करो कि आने वाले 2 और 3 महीनों में अपने जैसे मैं अपने साथ 9 लोग और जोड़ूंगा और अपनी टीम बनाऊंगा। अकेला नहीं चलूंगा, कहीं भी जाऊंगा तो अपनी टीम के साथ में जाऊंगा, और उस टीम को इतना मजबूत, इतनी मजबूती से उसे सारी, उसके अंदर वो भावना भरूंगा, ताकि 2024 में ये जो गंदगी पार्लियामेंट में है, इस पूरी गंदगी का सफाया करें। इसके लिए काम करना पड़ेगा हमें, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं। और रही बात, तो साथियों चुनाव आपकी जरूरत नहीं है, चुनाव के लिए कोई समझता हो कि मोदी को वोटों की जरूरत, ना वोटों की जरूरत है, उसका इंतजाम उसके पास में ईवीएम के माध्यम से, जनता की जरूरत नहीं है उसको, जनता की कोई उसे जरूरत ही नहीं है,
और इसलिए जनता से लेना देना नहीं, जनता के सुख दुख से लेना देना नहीं है। उसके पास ईवीएम है और ईवीएम के साथ साथ चुनाव आयोग जो उसकी गुलामी करता है, और शासन प्रशासन में बैठे हुए एसएसपी एसपी कलेक्टर जो उसकी गुलामी पर उसका हुक्म बजाते हैं और उसके लिए बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर करते हैं, वो सब है उसके पास में। आपके पास में क्या, आप क्या कर रहे हो? आपको करने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है। ये चाहे फौज भी लगा दी जाए, उस सबके बावजूद भी तुम्हारी वोट तुमने जिस कैंडिडेट को दी है, जिस पार्टी को दी है 2024 के चुनाव में, उसी के खाते में गिनी जाए, इसका इंतजाम भी आप ही को करना है। कोई और करेगा उस भरोसे मत रहना, अगर रहोगे सब कुछ लुट जाएगा। समय कम है, और भी साथियों को बोलना है, और मैं तो आपके सामने बोलता ही रहता हूं, और केवल बोल नहीं रहा, हम जमीन पर काम कर रहे हैं। आजकल में हमने दिल्ली को टारगेट किया, इस मंच से मैं साथियों से अनुमति लेते हुए दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, जो भी इस बात को सुनने हो, और दिल्ली के बाहर भी जो लोग हों उनसे भी ये निवेदन कर रहा हूं, हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, और दिल्ली में 2024 को लेकर लगातार कोर्ट करने के बाद में 4 बजे निकल जाते हैं घर से और जमीन पर काम करते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके उसी तरह से काम कर रहे हैं। तब कह रहे हैं आपसे, केवल हवा में नहीं। तो सारे लोग आइए हमारे साथ, कदम से कदम मिलाकर चलिए हमारे साथ, और जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त हैं, जानने पहचाने वाले हैं, सबको कहिए मेरे से संपर्क करें, ताकि कम से कम दिल्ली से इस गंदगी का सफाया हम लोग कर सके। यही काम हमें करना पड़ेगा साथियों। लड़ाई हमारी बहुत बड़ी है, पर मैं मानता हूं दूसरे की तरफ उंगली उठाने से पहले देखिए मेरे हाथ को, अगर मैं आपकी तरफ उंगली उठा रहा हूं तो ये 3 उंगलियां मेरी तरफ है। इसका मतलब दूसरे पर उंगली उठाने से पहले 3 गुना काम मुझे अपने अंदर करना पड़ेगा, और ये काम मानव साहब काशीराम जी ने किया, उसके बाद हम आज तक यहां तक पहुंचे। और एक निवेदन, सिर्फ एक छोटी सी सलाह, जो भी साथी हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया है, आज के बाद जब तक दिल्ली को पूरी तरह से जाम ना कर दो, सील ना कर दो, उस स्थिति में ना पहुंच जाओ, मेरी सलाह है, मानो ना मानो आपकी बात, दिल्ली में कोई प्रोग्राम मत करना ऐसा। प्रोग्राम तो करना, लेकिन कॉर्नर मीटिंग करो, जो खास खास लोग हैं उनको बुलाकर किसी ऐसी जगह पे वहां बैठकर रणनीति बनाओ, उनके कंधे पर जिम्मेदारी दो, आपको यह काम करना है। ये लोकसभा आपको संभालनी, ये विधानसभा आपको संभालनी है, ये मोहल्ला संभालना है, ये गांव संभालना है, ये शहर संभालना है, ये तहसील आपको देखनी है, ये ब्लॉक आपको देखना है, जिम्मेदारी दो साथियों। हम तैयार है इस बात के लिए, जो भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर सौंपी जाएगी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से निभाएंगे, और आपको पूरी तरह से उसे सफल करके दिखाएंगे साथियों। ये काम करो, और जब हम इस बात से सहमत हो जाएं कि अब जब हम कॉल देंगे तो पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, सील हो जाएगी, प्रधानमंत्री भी कहीं आना जा सके, ऐसा हम सील करने की स्थिति में हो, तब ये प्रोग्राम करना। वो अकेला एक प्रोग्राम इन सबकी चूल्हे हिला देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा टाइम खत्म हो गया। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।